और हाँ भैया हम पहले ही बोलते हैं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट ऐसी जो लड़ाइयाँ होती रहेंगी इससे मेरा ही फायदा है क्योंकि यही कंटेंट मिल जाएगा मेरे को फ्री का तो दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट है इफ यू गो दिट देन प्लीज लीव अ लाइक दिस वीडियो इज ओनली बीन मेड फॉर एंटरटेनमेंट परपोजिस इट इज नॉट मेड टू हेट एनी टू गिव और टू स्प्रेड हेट For anyone so yeah and i i have not blurred the name of that person because it's easy for me to edit without without blurring the video so naam uska video don't uh, don't reach out to him and said and do some shitty things you know you got it if you got it please leave a like this is someone signing off peace and the last just watch the fight what i what i did so thank you for watching So what is up guys? This is Harman and welcome back to the another the video. तो ये थोड़ी unusual video है gaming से related है लेकिन आ, इसमें कोई गेम प्ले वगैरह नहीं होगा आ, जैसे टाइटल में पढ़ा है आपने कि आई गेट इन टू अ ट्विटर फाइट बड़ी खतरनाक लड़ाई चल रही थी ओ भाई साहब ओ भाई बड़ी गंदी लड़ाई चल रही थी किसी ने मेरे को खालिस्तानी भी बोला है तो मैं बताता हूँ क्या हुआ क्या नाटक क्या चल रहा आ, अगर अभी देखे हम तो मेरा ट्विटर ना पूरा कमेंट से लाइक से रिप्लाई से भरा पड़ा है, देखो मैं दिखाता हूँ ये कमेंट आ रखे हैं लाइक आए हुए इतने सारे अठारह अठारह तीस तीस रिप्लाई आए हुए हैं रिप्लाई करे हुए कमेंट करे हुए भाई साहब क्या क्या नहीं कर बेटे मतलब इसमें मैं बताता ये फौजी से रिलेटेड है फौजी का जो तो टीम डेथ में वाला उससे रिलेटेड है उन्होंने कमिंग सून लिखा फिर से उन्होंने एक अपनी ट्वीट करा है ट्वीट करा है कि कमिंग सून होना चाहिए कमिंग सुन उन्होंने सिंपली रिप्लाई करा है कमिंग सुन ठीक है तो हुआ क्या मैं बताता हूँ हाँ, फौजी ने ये ये करी थी ट्वीट कि हैप्पी होली ऑन दिस कलरफुल डे लेसन टू फर्स्ट फर्स्ट ऑफ द ओएसटी ट्रैक फॉर फौजी कंपोज्ड बाय ये 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 यूट्यूब पे है ios वगैरह वगैरह ये टैग कर दिया और ये इन्होंने ये ये वाली पोस्ट करी थी जिसमें इन्होंने स्क्वाड दिखाया LMG दिखाई है ऑग दिखाई है I think है, लगा हुआ इसमें और ये पता नहीं कौन सी राइफल है बट तो अच्छी बात है उन्होंने बहुत सारी चीजें बस दिखाई है और इसमें बायोनेटे लगा हुआ है गन के सामने मतलब एक चाकू सा लगा हुआ है गन के सामने चाकू होता था ना पहले वर्ल्ड वॉर टू के आस पास जो गन्स थी उसमें होता था तो ये वो है ठीक है ये ट्वीट करा तो इन्होंने एक म्यूजिक ट्रैक अपलोड करा पता नहीं क्या करा मैंने चेक भी नहीं करा तो मैंने इन्हें कहा कि जस्ट लॉन्च इट ऑलरेडी इज वेटिंग हाउ मच टाइम डू नीड और एटलीस्ट टेल द लॉन्च डेट यू पीपल आर यूजिंग सून वर्ड सिंस लास्ट ईयर ठीक है मैंने ये बोला उन्हें बोला कि भैया <laughs> कुछ डेट दो कुछ मंथ दो या क्वार्टर वन में होगा क्वार्टर टू में होगा क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में होगा साल के या हॉलीडे में होगा कुछ तो बताओ इतना क्या नाटक हो रहा है इवन बैटल फील्ड जो गेम आने वाला है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि ये जो गेम है Holiday 2021 में आएगा नेक्स्ट जो कॉल ड्यूटी गेम है वो उन्हों भी उन्होंने बोल दिया कि वो हॉलिडे 2021 में आएगा ठीक है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लॉन्च ही कर देंगे पूरा गेम काम ही खत्म इन इनको एक मोड टीम डेथ मैच जो कि बीस साल से लोग खेल रहे टीम डेथ मैच कॉल ऑफ ड्यूटी हर कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है पबजी ने कॉपी करा कॉल ऑफ ड्यूटी का टीम डेथ मैच मोड अपने गेम में लेके आया और सक्सेसफुल रहा ये मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी करना गलत है बट सक्सेसफुल रहा तो अच्छी बात है ठीक है अब इन्होंने अपना गेम लॉन्च करा बहुत ही इंडिया का नाम यूज करके इन्होंने गेम लॉन्च करा बहुत ही बढ़िया बात है कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया के लिए गेम बना रहे हो इंडिया क्या गेम बना रहे हो तो उन्होंने कैंपेन लॉन्च करा उन उसमें उन्होंने एक वैली है आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ वैली उसका नाम मतलब जो जो हुआ उस वैली में वो बताया और उन्होंने ये भी रीजन दिया था कि हमने वेपन क्यों डाले क्योंकि उस वैली में वेपन्स यूज नहीं हुए थे ये मैंने सुना है मेरे को पता नहीं कंफर्म है या नहीं है बट मैंने ये ये रीजन लोगों ने मेरे को दिया था कि ये इसलिए उन्होंने वेपन्स यूज नहीं करे तो अब बहुत महीनों पहले इन्होंने एक ट्वीट करा था जब मैंने वीडियो बनाई थी गन्स का न्यू मैप का न्यू जो भी इंफॉर्मेशन उस टीजर में आई थी छोटा सा टीजर था बीस सेकेंड का उसमें इन्होंने सब दिखाया था कि क्या क्या हो सकता है ऐसा सिमिलर ही उन्होंने एक टीजर दिखाया था बस वो एनिमेटेड था चल रहा था वीडियो की फॉर्म में था बस ये पोस्टर है तो सेम था कोई फर्क नहीं है दोनों में तो उन्होंने भी उस टाइम कहा था टीम डेथ मैच कमिंग सून और जब गेम लॉन्च हुआ था तब भी टीम कमिंग सून ही था ठीक है तो इसके बाद हुआ क्या अब मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने रिप्लाई करा वरना तुम लोग उसको जाके गाले गुलिया दोगे तो भाई उसने कहा कि भैया दे आर मेकिंग अ गेम मोड नॉट मैगी हैव पेशेंस ठीक है ठीक है कोई बात नहीं रिप्लाई करा अच्छी बात है बट ही दिस मैन इज कंपेयरिंग A game with huh? अब एक गेम विद मैगी मैगी बनाने में डिफरेंस है मैगी दो मिनट में बोलते हैं नहीं बनती बोलते हैं लेकिन नहीं बनती तीन चार मिनट लेती है लेकिन वो भी बोलते हैं ना दो मिनट दो के चार हो जाते हैं लेकिन यहाँ तो अनाउंस ही नहीं करा कि भैया हम अगले अगले हफ्ते टीम डेथ मैच देंगे दो दिन बाद देंगे कुछ भी नहीं बताया तो ये बकवास कमेंट है ठीक है बकवास कमेंट है ठीक है अरे कौन मैसेज कर रहा है मुझे तो मैंने बोला ये यो डमी लेसन दे ऑलरेडी नो व्हाट टू डू हाउ टू डू दे जस्ट नीड टू कॉपी द थिंग्स फ्रॉम कॉड एंड पबजी इट्स नॉट दे आर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू सो दे नीड सो मच टाइम कि उन्होंने उनको उनको सब पता क्या करना है उनको सब पता है कैसे करना तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो ठीक है कॉड इज गिविंग अ स्टेडियम फॉर ओवर ट्वेंटी ईयर्स नाउ दे जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट एंड एवरी प्रोजेक्ट हैज अ टाइम लिमिट ठीक है पहली बात हर प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट होता है उसकी एक टाइम लिमिट होती है मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है तो मेरे को पता है ठीक है जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसकी एक, एक एस्टिमेटेड टाइम डेट होती है टाइम लिमिट होती है ठीक है या फिर उसके आसपास होती है टाइम लिमिट ठीक है थोड़ा और एक्सेप्शन होता है कि थोड़ा बड़े थोड़ा बढ़ सकता है प्रोजेक्ट बट ये नहीं कि बिल्कुल ही दो तीन साल आगे चले जाए ठीक है एस्टिमेशन होता है ठीक है मैंने बोला और कॉलर ड्यूटी टीडीएम तो हमें दे ही रहा है बीस साल से तो सोचने की कॉन्सेप्ट सोचने की जरूरत ही नहीं कि नया कॉन्सेप्ट कैसे सोचे क्या ऐसा लेके आए तो मैं उस टीम रथमा चलाना है फाइव बी फाइव फाइव वर्स फाइव प्लेयर्स सिंपल और फिर उसने आदमी ने बोला कि भाई क्या बोला हाँ उसने पूरा स्टार्ट कर दिया यो खालिस्तानी कॉमा माइंड योर लैंग्वेज एंड लर्न हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स कॉमा एंड इफ इट इज दैट्स इफ इट इज दैट्स इजी देन मेक अ सिंपल टी डी एम गेम इफ यू कैन एस टी एफ यू शट द डैश अप ठीक है तो इसने मेरे को बोल दिया पहले तो बोलते खालिस्तानी ठीक ठीक फिर कह रहा है लर्न हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स नीचे एक आदमी ने जो प्रतीश नायर है उन्होंने इस इस ट्वीट का रिप्लाई करा है कि गाय तो ऑब्वियसली दिस मैन इज स्टूपिड दिस मैन डज नॉट आई आई डोंट थिंक दिस इज अ नीचे कमेंट करा कुलदीप ने कि भाई इफ दे आर जस्ट मेकिंग अ गेम मोर देन दे शुड एटलीस्ट रिवील लॉन्चिंग मंथ सही है क्योंकि अगर डेट नहीं दे सकते मंथ तो दो कुछ तो दो जनवरी में होगा फरवरी में होगा अप्रैल में होगा नवंबर में होगा कहीं पर बताओ बैटल फील्ड की हमें डेट पता है नाइनटीन नवंबर पता है हमें लेकिन वो इतना बड़ा गेम है भैया ये तो पिद्दी सा गेम है और इसका तो एक मोड है गेम तो आ गया है हाँ।, हाँ और एक आदमी है पर्स उन्होंने बोला इवन मैगी गिव्स अ टाइम लाइन ऑफ टू मिनट्स वी आर आस्किंग आस्किंग फॉर आर टाइम लाइन नॉट अ वर्ड कमिंग सून ऑब्वियसली हम हमें मैगी ने मैंने भी बोला है कि मैगी भी दो मिनट का टाइम देती है ये तो एक गेम मोड है इनको को टाइम नहीं देखना आ रहा फिर इसने बोलता ये बोलता कि भैया

उसके बाद कुछ नहीं हमें पता क्योंकि दिस जो मोबाइल है ना ये गवर्नमेंट की वजह से रुका हुआ है गेम वरना कब का आ जाता क्योंकि फौजी भी उन्हें उन्होंने लॉन्च करना था इसलिए उन्होंने पबजी को रोका हुआ है अब तो पबजी ने टेंट को हटा दिया है अब तो कोई रीजन है ही नहीं बैन करने का तब भी उन्होंने बैन नहीं हटाया ना तो गवर्नमेंट की चीज है ये और उन्होंने बस कम, कमिंग सुन कहा था दिवाली में उसके बाद उन्होंने कमिंग सुन बोला ही नहीं कि हम ला रहे हैं उन हाँ लीक्स है कि वो प्लान कर रहे हैं कि जो पबजी मोबाइल वो लॉन्च नहीं करेंगे उसके बाद लॉन्च करेंगे पबजी मोबाइल न्यू स्टेट उन लीक्स की तरफ से है ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं है बट ऑफिशियल ने कभी नहीं कहा कि हम कमिंग से लेके आ रहे समझ रहे हो पर फिर First, फिर से बोलता है कि गेम डेवलपमेंट इज नॉट एनी इट्स नॉट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू नो द स्कोप ऑफ़ वर्क इज़ इज़ एंड डिराइव बोला अभी मैंने ठीक है और ये अब ये सो एटलीस्ट रिवील अपडेट मंथ लाइक अप्रैल और मे उसके बाद कहाँ है मेरे ट्वीट उसके बाद हाँ ये रहा नहीं है उसके बाद भी इसने कुछ बोला है और वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा हाँ उसके बाद मैंने इसे बोला कि भाई मैंने क्या बोला हाँ मैंने बोला द मोमेंट यू टाइप दैट खालिस्तानी वर्ड नेक्स्ट मोमेंट इट इज कन्फर्म दैट यू आर एन ए होल कहाँ का कहाँ जोड़ रहा है ऑब्वियसली कहाँ का कहाँ जोड़ रहा है भैया गेम की बात हो रही है यार मैंने इस खाली दमी दमी इसे खाली डमी बोला डमी वर्ड से इतनी प्रॉब्लम है <laughs> तो, तो अभी तो डमी तो बिल्कुल नीचे का लो लेवल का वर्ड है ऐसी बोल देता मजे मजे में और जब बड़े वर्ड बोलने लगे फिर तो पता नहीं क्या होएगा जोड़ नहीं रहा ये बोलता है इसका रिप्लाई में जोड़ नहीं रहा भाई इट्स कॉल्ड ट्रिट

खालिस्तानी वर्ड पे ना भाई साहब पूरा इंडिया हिला हुआ था पता होगा ऑब्वियसली डमी वर्ड पे कोई कंट्री कोई देश नहीं हिलता हाँ ये आदमी पागल है दस मैन इज नॉट ऑल राइट इसने अपने ट्विटर पे लिखा गेमर मोर इन टू एफ एस बैटर मोबा गिव टू गेट

रस्ते से ना हट के गेमिंग पे लेके आएगी भैया एनकोर की बात हो रही है वो कमिंग सून वर्ड यूज कर रहे है बहुत ज्यादा ठीक yeah. है फिर ये बोलता है इफ यू मीन कम्युनिटी लाइक यू द नो हु द हेल विल इंटरनेट ट्रोल्स अच्छा लाइक यू एस कम्युनिटी गेट गेट द एफ ऑफ फ्रॉम दिस गेम नाउ ही इज यूजिंग एफ वर्ड एंड आई जस्ट यूज डमी वर्ड आई ऑल्सो यूज ए होल वर्ड बट obviously dummy से इसको इतनी प्रॉब्लम हुई है तो आगे वाले बड़े बड़े वर्ड बोल रहे तो इसको तो पागल हो जाएगा ये। उसके बाद मैंने बोला कि भैया अच्छा डमी से तेरे को बैड फील हुआ यू आर ऑन सोशल था गेट थिक स्किन डमी तो मैंने भी डमी से ही इसको एड्रेस करा क्योंकि एन एक्चुअल डमी तो मैंने कहा कि भैया बी स्ट्रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया बहुत सारे पीपल ऐसा ही बोलते हैं मेरी वीडियोज में मेरे को कमेंट आते हैं अजीब अजीब से बस वो मैं पब्लिक नहीं करता लोग मेरे को धमकाते कि भैया यूट्यूब चैनल बंद कर लो तुम्हारा अपना यूट्यूब चैनल बंद कर लो ज्यादा ये सक्सेस है ना है। ये ये फेमस फेमस कुछ नहीं होना मैंने कहा ठीक है मैं तेरा कमेंट पब्लिक ही नहीं करूँगा कोई देखेगा ही नहीं कि व्हाट यू डिड तो इसने रिप्लाई करा कि ओके खालिस्तानी यू गेट अ थिक स्किन टू हाँ ये एक एक जो ये जो ओके खालिस्तानी वाला वर्ड था उसके बाद रिप्लाई मैंने तो कोई रिप्लाई करा नहीं भाई कि कोई फायदा नहीं है सा आदमी से बात करके आदमी नहीं बच्चे से बात करके <laughs> तो इसने रिप्लाई कर रहा, एक आया एक, एक है इंडी इंडी गोर है के नाम से रिप्लाई उसने कहा भाई बाकी भी और भी रास्ते भाई बाकी के भी भाई बाकी की और भी रियासतें थे जो अलग होना चाहते थे आजादी के टाइम उनको भी गाली दो अच्छा ये कह रहा है कि खालिस्तानी वर्ड <laughs> खाली ये लोग थोड़ी ना आजादी के टाइम अलग होना चाहते थे बाकी पूरा इंडिया भी तो अलग हो रहा था तो उनको भी तो गाली दो यू आर जस्ट बींगल एजामी तो उसके बाद तो मैंने रिप्लाई करा नहीं बाकी लोगों ने इसको रिप्लाई करा है बहुत ज्यादा वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका <laughs> और नाम भी देख सकते हो कि क्या नाम है उस आदमी का मैं तो ब्लर कर दिया इस वीडियो में कि भाई हम नहीं चाहते कि इस आदमी को हेट मिले वैसी मिल रही है बट ही आई थिंक ही डज नॉट केयर क्योंकि ही इज अ डमी तो ये थी थोड़ी अनयूजुअल वीडियो थी इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लीव अ लीव अ लाइक इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आप सबका सारी का पीस